जीएसटी एक्सपर्ट इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, वेद जैन टैक्स एक्सपर्ट भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक रस्तोगी, आपका रुख करना चाहूंगी, ये बताइए आज जिस तरीके से एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज पर सहमति बन गई है, कॉम्पनसेशन बिल पर सहमति बन गई है, राज्यों को जो नुकसान होगा 5 साल तक अब उसका वहन केंद्र सरकार करेगी, तो अब आपको लगता है जो डेडलाइन सरकार ने दी हुई है जुलाई तक इसको लागू करने की, अब वो आसान हो गई है और वो बहुत आसानी से आगे हो चुकी है राह जीएसटी की? देखिए, आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसको समझना होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस जीएसटी में बहुत बड़ी अड़चन बन सकती थी, जैसे कि कॉम्पनसेशन अगर देखा जाए स्टेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। 14% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का जो ये फॉर्मूला लगाया है सारी स्टेट्स को बहुत बेनिफिट होगा और इसीलिए बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से लग रहा है कि अब हम जीएसटी की ओर बढ़ेंगे। और फर्स्ट जुलाई की जो डेडलाइन वित्त मंत्री ने अनाउंस की है, बजट में भी अनाउंस की है, वो लगता है कि इन क्लॉजेस को देखते हुए बहुत अच्छा एक अच्छा हमारे मार्ग पे चल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात भी ये है कि जो लीगली वेटेड लैंग्वेज की बात हो रही है, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन लोगों ने वित्त मंत्री को नॉर्थ ब्लॉक में अपनी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, सो बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस होंगे और ये समझने की बात है कि ये बहुत ही बड़ा एक रिफॉर्म है, ये कोई छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं है, इसमें हर एक सेक्टर को इंपैक्ट पड़ता है और उस को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा होगा कि ये 4th and 5th की जो अब नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी उससे पहले लीगली वेटेड डॉक्यूमेंट पेश करा जाए और बहुत सेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जिनको बेनिफिट देना है, सो उनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें लॉ में आने चाहिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय ये जो अगले 8-10-2 हफ्ते हैं इसमें ये सारा लैंग्वेज फाइनल हो और जब बजट सेशन शुरू होता है, सेकंड फेज ऑफ बजट सेशन शुरू होता है, उससे पहले जो बाकी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन पर पूरा प्रेशर बने और वो पूरी तरह से ठीक हो। जी अभिषेक बने रहिए हमारे साथ।